एंड ब्यूटीज, हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोशिश करूँगी रक्षाबंधन के लिए बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट येट ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट करने का। सो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड यस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलें। बाय द वे, आई एम लविंग माय। तो इसे आपने देखा होगा किसी एडवर्टाइज में, तो मुझे ऐसा दिख गया तो आई थॉट लेट्स ट्राई इट। एंड मुझे ये मीशो पर भी दिखा था बट मैंने पर्पल से मंगाया। सो पूरी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी इन सबका हॉल लाने के लिए। और भी ज्वेलरीज मैंने मंगा रखी है, सो जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों के लिए हॉल लेकर आ जाऊँगी। स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस। दिस इज लाइक मैं 9 to 5 के रेंज का प्राइमर विच इज एलोवेरा बेस्ड। इसमें थोड़ा क्यूकम्बर एंड एलोवेरा है, तो ये सूदिंग होता है काफ़ी ज़्यादा और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे चेहरे को थोड़ा कूल कूल रखेगा एंड ये हमारे फेस को स्मूथ भी कर देगा बिकॉज थोड़ा ये सिलिकॉनी टाइप का भी है। सो नाउ आई हैव टू डू माई आई बेस एंड आई बेस के लिए यूजिंग दिस मार्स सील द डील कंसीलर इन द शेड येलो। And today I'm using this, is so cute. मैंने इसका आउटर बॉक्स निकाल दिया। कितनी पतली सी स्लीक पैकेजिंग है। एंड दिस इज माई ग्लैम का फेस किट। एंड इसमें से ये शेड, मतलब नॉट शेड बट पाउडर है ये, इससे अपने बेस को सेट कर लेंगे। फॉर आई शेड आई एम यूजिंग दिस फेस ब्यूटी का मेकअप प्रो पैलेट एंड एक ब्रश से ट्रांजिशन के लिए ये वाला शेड लेंगे। लुक एट दिस, ये पैलेट काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड है। वाओ, आई लव इट। एंड एक ब्रश से बिना कुछ प्रोडक्ट लिए इसके एजेस को ब्लेंड करेंगे। ना इस शेड को लेके क्रीज में अप्लाई करेंगे। इसको ब्रश से ही ब्लेंड कर लेंगे जैसे प्रीवियस वाला शेड अप्लाई किया था। बहुत ही अच्छे से खूब सारा टाइम देते हुए ब्लेंड करना है। अब इस वाले शेड को लेके और इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे। इसको सेम ब्रश से ही ब्लेंड करेंगे। आप चाहे तो इसी शेड को अपने आउटर वे पे करके छोड़ सकते हैं बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क शेड ले रही हूँ आउटर वी के लिए एंड फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छा खासा ग्रेडियंट बने और थोड़ा आईज में डेप्थ अच्छी आए। ब्राउन शेड थोड़ा सा आउटर वी पे, मतलब हाफ लिड्स तक भी अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं कंसीलर लेके अपने लिड एरिया को क्लीन करेंगे। इस पैलेट से ये वाला शेड लेके जो कि पीच पीची सा शेड है इसको स्प्रे करेंगे, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एंड थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके एकदम हल्के हाथ से फदर कर देंगे ताकि ये ब्लेंडेड लगे, कोई भी हार्श लाइन बीच से ना रहे, लगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर खींच लिया गया। ओके, तो मैं अपना आई मेकअप अभी यहीं छोड़ती हूँ। लेट्स मूव ऑन दी बेस। जो कि इतनी गर्मी है तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक हल्का फुल्का सा फाउंडेशन ही चलेगा। सो ये चलेगा। दिस इज द माइग्लैम पोज HD फाउंडेशन स्टिक बाय माइग्लैम एंड फॉर द रेफरेंस माय शेड इज वार्म सैंड। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। दिस इज बिकॉज कि ये काफ़ी ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट है एंड पता भी नहीं चलता है, लगा लेते हो और छूटने का भी डर नहीं लगता कि यहाँ से छूटेगा, यहाँ से स्वेटिंग होने पर छूट जाएगा। दैट्स व्हाई आई लव दिस। कंसीलर अंडर माय आईज एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस एंड इट्स वेरी क्रीमी। बट मुझे लगता है कि मेरा वाला थोड़ा सा ड्राई है। मैं इसी पाउडर से फेस को सेट करूँगी। इट्स वेरी मैटिफाइंग। ये पाउडर काफ़ी अच्छा मैटिफाई कर रहा है यार, इट्स सो गुड। बाकी का अभी तक तो ठीक ही लगा। बाकी का आपको हॉल में देखने मिल जाएगा बिकॉज ये तो अभी ही नया है, कल ही रिसीव हुआ था और मैंने आज ही लगा दी। शीशे कॉन्ट्रो के लिए आई एम यूजिंग दिस पैलेट राइट हियर बाय स्विस ब्यूटी। उस पर भी ब्राउजर अप्लाई कर लिया तो पतली, मतलब पतली ही है, थोड़ी और पतली दिखे, बिल्कुल मेरे जैसे दिखे। एंड नाउ अब है ब्लश की बारी, तो वो भी हमारे पास न्यू। दिस इज दिस टाइप की डबल रेड ब्लश इन द शेड मूवी डेट 3 एंड मैं इसका दोनों शेड मिक्स करके अप्लाई करूँगी। वाओ, दिस इज सच अ नाइस कलर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ किकबैक्स। मैंने ऐसे ब्रश घुमाया एंड सब बाहर आ गया। सो मैंने उसको तो पूरा
यूज कर लिया है, लेकिन आया ही तो आई कैन नॉट टेल सो मच, हॉल में देखने मिल जाएगा इसका भी, स्टे ट्यून्ड। एंड फॉर द हाइलाइटर ये वाला ही शेड यूज करेंगे ऑन माय चीक्स, इसके विजिबल पार्टिकल्स इसके भी चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, वेरी माइल्ड पार्टिकल है, तो आप फॉरहेड पे भी अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज व्हाई नॉट। एंड सब कुछ को सेट करेंगे वो विथ दिस, वाओ हाउ क्यूट, दिस इज ब्लू हेवन फ्रेश एंड फिक्स प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट विथ विटामिन बी प्लस ई एलोवेरा। अब कर लेते हैं हम लोग अपने ब्राउज, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस इनसाइड की आईब्रो पेंसिल एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल है, इसके कर लेंगे कॉम। नाउ फिर से यही शेड अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे, इनर कॉर्नर के लिए सेम शेड लेके अप्लाई कर लेंगे इनर कॉर्नर एंड लोअर लैश लाइन में भी। फॉर द काजल आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम का सुपर फोर्स काजल, दिस इज इन द शेड उम्बर एंड मैं एक ब्राउन आई लाइनर ले रही हूँ एंड इसको क्लोज टू द लैश लाइन अप्लाई करेंगे एंड विंग नहीं बना रहे, ब्राउन शेड में ही इसको ब्लेंड कर देंगे। आई नो कि ये रक्षाबंधन के हिसाब से कुछ ज़्यादा हो गया बट दैट्स ओके, आप लोग इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, रिसेप्शन में वेयर कर सकते हैं। हे या प्लीज़ आई एम सॉरी। मस्कारा के लिए मैं जा रही हूँ विद फेसेस मैग्नेट आईज मस्कारा, दिस इज ड्रामेटिक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा एंड यस इट इज़ ट्रूली वो लग रहे लैशेस लग रहे ना बिल्कुल फॉल्स वाली, दिस इज हाउ इट वर्क। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मतलब आईज को आप फॉल्स, हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे फॉल्सेस लगा सकते हैं, तो मैंने फॉल्सेस लगा ही लिया बिकॉज कैमरे पे समझ में नहीं आ रहा होगा आई नो, तो मैं लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस अन बाई वीक के लिप रेयन, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इसे थोड़ा शायद मैच कर जाए वाइट। रक्षाबंधन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया बट ज्यादा मेकअप इज नेवर ज्यादा एंड लविंग इट, मैं हर वीडियो में यही बोलती है, जब जितना अच्छा कैमरे पे नहीं लगता उतना अच्छा सामने से लगता है, आई हैव टू से इट ऑल द टाइम। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको देखना है इन सब ज्वेलरी का हॉल तो वो आ जाएगा कुछ दो चार वीडियो के बाद, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक विद इन टू डेज। सो अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, दैट वुड मीन अ लॉट। आपको राखी के लिए चाहिए कुछ और भी सिंपल, इससे भी ज्यादा सिंपल सिंपल सा मेकअप, सो मैं यहाँ पे एक पिंक मेकअप डाल रही हूँ एंड यहाँ पे भी आपको वैसा ही मेकअप मिल जाएगा, तो मैंने कुछ नहीं पहले शूट किया था। सिर्फ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।